जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से अब तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर अटकलबाजियों का दौर जारी है। लोगों ने इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के ट्विटर पर हुए संवाद का सहारा लिया है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को कहा कि ना तो राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ना ही राजनीति विभाजन और नफरत के लिए जिम्मेदार है। उनकी इन टिप्पणियों को ट्विटर पर लोगों ने हाथों हाथ लिया। एक यूजर ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पिछले दरवाजे से समझौता करने का संकेत करार दिया है। आपको बता दें कि एक वीडियो में जम्मू कश्मीर और कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना ने उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष राजनीतिक नेताओं में एक रतन करार दिया है। आपका ऐसे में इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। जय हिंद।